हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये बिग निकबला पिक्चर ट्यूब को मैं चार्ज करके देखाऊंगा, मैं जो चार्जर बनाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये बिग निकबला जो बेस होता है, ये बेस को मैं यहाँ पर कनेक्ट किया और इसका जो तीनों कैथोड पिन ये एक एक करके मैं चार्ज करूँगा। और ये जो पुराना पीसीबी है ये मैं साइड कर दिया। और ये पिक्चर ट्यूब का जो फॉल्ट है, इसका जो लाइट बहुत कम है और बहुत टाइम लग जाता है इसका थोड़ा सा हल्का लाइट आने के लिए। तो चलिए मैं चार्ज करूँगा। मैं चार्जर को सप्लाई दे दिया और इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं ऑन किया फर्स्ट टाइम, देखिए मैं एक कैथोड पिन के साथ कनेक्ट किया। और देखिए आप, जो ये सीरीज 15 वाट का बल्ब है, यहाँ पर आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये जो बल्ब देखिए अभी ऑन हो गया और ऑन होने का बाद इस तरह ये ऑफ हो गया। और ये फुल चार्ज नहीं हो, अभी तक नहीं हुआ है। तो फुल चार्ज करने के लिए दोस्तों इसको 10 मिनट तक कम से कम रखना पड़ेगा। तो चलिए, नेक्स्ट जो कैथोड पिन है, ये कैथोड पिन पर कनेक्ट करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों चलिए, मैं दोबारा सप्लाई ऑन कर देता हूँ चार्जर का। तो चार्जर का सप्लाई मैं दे दिया, पावर स्विच ऑन कर दिया। और आप ये 15 वाट बल्ब पर फॉलो कीजिए, क्या रिजल्ट आता है। देखिए, ये भी इस तरह सेम ऑन होने का बात ये ऑफ हो गया, ठीक है। और चार्जिंग का जो प्रोसेस है, आपको लॉन्ग टाइम रखना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट तक। रखने के बाद ये लैम्प धीरे से वो फुल ग्लो हो जाएगा। जब वो लैम्प फुल ग्लो हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पिक्चर ट्यूब का वो पिन, कैथोड पिन चार्ज हो गया। और ये जो अलग कैथोड पिन है, यहाँ पर कनेक्ट करके मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये तीनों कैथोड पिन को आपको एक एक करके चार्ज करना पड़ेगा, एक साथ सट करके चार्ज अब मत कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, अलग से एक नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस टाइम मैं सप्लाई दे दिया और ये जो कैथोड पिन, और देखिए ये लैम्प सेम तरह से ऑन होने के बाद ऑफ हो गया। तो दोस्तों, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पिक्चर ट्यूब का जो फॉल्ट है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सॉल्व हो गया। और ये देखिए, 6 वोल्ट रेंज पर रख के मैं चार्ज किया और मैं 12 वोल्ट रेंज पर ये सिलेक्ट किया। और उसका बाद मैं दोबारा मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं ऑन कर देता हूँ। और ऑन करने के बाद, चार्जर को ऑन करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट रुकना पड़ेगा। तो 5 से 10 मिनट का अंदर ये जो लैम्प ये धीरे से ऑन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो चार्जर मैं बनाया, ये चार्जर कैसे बनाया जाता है, इसका ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर दे देगा। तो दोस्तों, ये जो चार्जर, इसका अंदर मैं 606 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मैं यूज़ किया। तो इसीलिए ये ट्रांसफार्मर का बजाय ये लैम्प फुल ग्लो होने के लिए 10 मिनट का ऊपर ये टाइम लग जाता है। लेकिन वो एक्यूरेट चार्ज हो जाता है, मैं खुद प्रैक्टिकली करके देखा है। और तुरंत आप जल्दी चार्ज करना चाहता हो तो वहाँ पर आप 909 वोल्ट ट्रांसफार्मर और 909 वोल्ट ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह आप यूज़ करेगा वो ट्रांसफार्मर, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक वीडियो देख के रखा है, वो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये चार्जर से आप चार्ज करेगा 606 ट्रांसफार्मर यूज़ करके, ये लैम्प फुल ग्लो नहीं होगा, हल्का सा जलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं वो वीडियो में करके दिखाया। इस टाइम आपको जो दिखाऊंगा, ये चार्जर का अंदर मैं जो 606 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया, यहाँ पर मैं 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मैं यूज़ करूँगा। और ट्रांसफार्मर लगाने का बाद आपको चार्ज करके दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, इसका अंदर जो सर्किट है, देखिए ये सर्किट का अंदर ये पोजिशन का रेड वाला निशान पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया, यहाँ पर मैं 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। और लगाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, सब कुछ मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये ट्रांसफार्मर लगाने के बाद तुरंत इसका लैम्प ये फुल ग्लो होने लगता है।
तो चलिए ये कैथोड पिन का साथ कनेक्शन करके आपको दिखाया। दूसरा और तीसरा जो कैथोड पिन है मैं आपको लाइव ही आपको कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं एक पिन पर कनेक्ट कर दिया, कैथोड पिन पर सप्लाई मैं दे दिया और देने के बाद आप ये 15 वाट बल्ब आप फॉलो कीजिए, धीरे धीरे फुल ग्लो तुरंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला मैं प्रैक्टिकली जो देखा। तो दोस्तों तब भी आपको इस वीडियो में क्लियर करके ही मैं दिखाता हूँ, क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर ये 6 वोल्ट जाएगा पर 9 वोल्ट ट्रांसफार्मर यूज़ करेगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों ये कोई बात नहीं है, आप 6 वोल्ट भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, लेकिन चार्ज होने का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा और आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों कैथोड पिन तो मैं कनेक्शन करके दिखाया, तीनों कैथोड पिन को आपको एक एक पिन कनेक्शन करके चार्ज करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो नेक्स्ट पिन है ये नेक्स्ट पिन पर कैथोड पिन पर मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो नेक्स्ट पिन है G2 पिन का बाद ये पिन पर कनेक्ट किया और देखिए मैं चार्जर को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑन करने के बाद ये लैंप देखिए तुरंत, एक्चुअली पिक्चर ट्यूब का जो कंडीशन होता है ये कंडीशन का ऊपर ये डिपेंडेंट है लैंप कितना टाइम का अंदर ये ऑन होगा, लेकिन ये तुरंत ऑन हो जाता है, लैंप फुल ग्लो हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट आता है यहाँ से 606 वोल्ट ट्रांसफार्मर का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, मैं प्रैक्टिकली देखा। लेकिन वो ट्रांसफार्मर को जो एम्पियर मैं ड्राइंग का अंदर लिख के रखा है और जो फास्ट टैग वीडियो बनाया वो वीडियो के अंदर मैं सब कुछ डिटेल्स बताया। और ये जो 9 वोल्ट ट्रांसफार्मर मैं यूज़ किया 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर मैं यहाँ पर यूज़ किया। तो दोस्तों आप दोनों ही ट्रांसफार्मर यूज़ करके आप चार्जर बना सकते हो, आप खुद घर पर भी ये इस तरह चार्जर बना सकते हो। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक फॉलो कीजिए, मैं जिस तरह ट्रांसफार्मर बनाया वो आप देख के आप घर पर ही बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों।